अस्सलाम वालेकुम वेदर, इस वक्त हूँ बाकू में और यहाँ पे अनजाने में एक पाकिस्तानी जिससे लगता है कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना ताल्लुक है, फ्रॉम लाहौर, तारिक भाई हैं। इन्होंने यहाँ पे एक साल पहले पैरेटी कैफ़े के नाम से निज़ामी के बिल्कुल साथ स्ट्रीट में इन्होंने एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया जिसका व्यू मैंने आपको दिया। ये भाई साहब यहाँ पे एक साल पहले, ही इज़ अ एक्स बैंकर और इनका बेटा भी बैंकर था, तो बाप बेटे ने दोनों ने यहाँ पे आके ये पैरेटी कैफ़े बनाया। एक ब्रांच इनकी यहाँ पर है और एक ब्रांच इन्होंने और स्टार्ट की है और ये पाकिस्तान के सपूत हैं। और यहाँ पे आके दियारे गैर में भी आके इन्होंने गुलशन बनाया और इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट, इतनी अच्छी सर्विसेज कि आप अगर बाकू आते हैं तो इनके ज़रूर मिले। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका टेलीफोन नंबर, इनका व्हाट्सएप नंबर, इनका मेलिंग एड्रेस आपको दूंगा ताकि आप जब भी बाकू आएँ, किसी किस्म के धोखे या किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो ये साहब आपकी हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और पिछले एक साल से हम अपने एक एम लेके आए थे इधर अज़रबैजान में, बाकू में, तो कि हमने कह के देखें जी, अब एक अपनी कंट्री से मैं भी कोशिश की थी सेटल होने की, बिजनेस इस्टेब्लिश करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मैं नज़र नहीं आई जिसकी वजह से मैं कहूँ कि मैं वहाँ पर सक्सेसफुल बिजनेस मैन होता। यहाँ मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था अदर कंट्री में आना, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में भी बिज़नेस बड़ा मुश्किल होता है, जबकि हम ने एक बड़ा रिस्क लेके, मैं और मेरे बेटे हैं असद, हम दोनों ने, मैं यहाँ पे आके एक दूसरे मुल्क में जहाँ वो लैंग्वेज का भी बैरियर था, इलाका भी नया था, मुल्क भी हमारे नया था, अनजान से मुल्क में आके हम लोगों ने मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया और अभी भी हम समझते हैं हमें मज़ीद गुंजाइश है इसमें मेहनत करने की। कोई तकरीबन 18 से 20 घंटे हम पर डे के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मैंने रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया अपने में, तो उसमें काफ़ी अच्छे हमारे पास एक्टिविटी चल रही होती हैं सारी, हमारे पास तकरीबन 130 के करीब डिशेस हैं, कंटिनेंटल डिशेस हैं, लेकिन हम अपने भी पाकिस्तानी, हम अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हमने उस पर पाकिस्तान की भी डिशेज़ हैं इसमें ऐड की हुई हैं और हमारे लिए बड़ा आनर हम फील करते हैं जब कोई पाकिस्तानी हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जब हम उनको सर्व कर रहे होते हैं, व्हाट यू बिलीव कि हम उसको, हमें ये लग रहा था कि हम अपने कोई रिश्तेदार आए हैं और उनको हम खिदमत उनके लिए हम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद रिवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा है। शुरू में आपको प्रॉब्लम आती हैं, लॉस भी होता है, उसमें लॉस के साथ आपको लर्निंग भी होती है। तो कुछ बैरियर, हमें जो मेन बैरियर यहाँ पे आया वो लैंग्वेज का, अब लैंग्वेज बैरियर को हमने काफ़ी हद तक सीख लिया है, काफ़ी हमें लैंग्वेज बोलना भी आ गई है और उनकी जो समझ सारी जाते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे आसानी जो इसमें है कि ये कंट्री बहुत स्मूथ और बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वेदर इसका बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे सबसे बड़ी जो हमें खुशी की और फ़ख्र होता है, हमें अपना सर फ़ख्र से बुलंद होता है जब हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त होती है, जब हम कोई कहते हैं वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे रियली लव अस, दे रियली रेस्पेक्ट आवर कंट्री ड्यू टू आवर पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी इनके हमेशा शाना बशाना इनके साथ रही है, हमारी गवर्नमेंट्स इनके शाना बशाना रही हैं। तो ये कहीं किसी भी स्टेज पे है, इसको हमारे कंट्री की, पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई है तो पाकिस्तान ने इनको ऐसा समझा कि हमारा अपना सेकंड होम है ये। तो उस वजह से हमें, हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि ये लोग हमें इज़्ज़त देते हैं और हम अपने बिज़नेस बड़ा पुरसकून तरीके से करते हैं। कभी भी आप अज़रबैजान है, बाकू है, पैरेटी कैफ़े को याद रखें, पैरेटी कैफ़े राउंड द क्लॉक आपकी खिदमत के लिए हाजिर है सर। अल्लाह हम सब का, हमारे मुल्क के पाकिस्तान का, फौज पाकिस्तान का हामी नासर हो।
jungle.